हेलो साथियों, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित शर्मा हाजिर हूं फिर से आपके समक्ष एक नया शॉर्टकट, एक नया ट्रिक लेकर। मेरे दोस्तों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्गों की गिनती कैसे की जाए जब रोज और कॉलम्स बराबर हो इन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्गों की गिनती कैसे की जाए जब रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। सो इसीलिए यहां पर इन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जब रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो आइए अब ये देखिए, अब जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स होंगे, कितने वर्ग होंगे। तो ये एक आप देखोगे ये 2x7 मैट्रिक्स है जिसमें दो रो हैं और 7 कॉलम है। रो क्या होते थे? हॉरिजॉन्टल। तो देखो आप, दो रो है, 1 और 2। कॉलम्स वर्टिकल होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब अगर यहां पर कोई आपसे कहे कि कितने वर्ग होंगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले वर्गों को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अगर इसमें है तो 7 इसमें भी होगा, 14 हो गए। फिर आपसे अगर कोई कहे कि और बड़े वाले इससे निकालो, कुछ ऐसे वाले, तो वो कैसे निकालोगे? यहां से देखो 1, फिर यहां से देखो 2, फिर यहां से देखो 3, फिर यहां से देखो 4, फिर यहां से देखो 5, फिर यहां से देखो 6। तो इन सबको अगर जोड़ोगे तो आएगा 20, है कि नहीं? और यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। और आगे बढ़ते हैं, इसी को और आगे चेक करते हैं। हम ये देखो, ये एक 3x8 मैट्रिक्स है, ये एक 3x8 मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है, 1, 2, 3। कॉलम्स 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अब यहां पर भी अगर कोई आपसे कहे कि कितने वर्ग होंगे, तब सबसे पहले सबसे छोटे वाले काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें तो और 8 इसमें और 8 इसमें, टोटल 24। फिर ऐसे वाले काउंट करो, ऐसे वाले कितने होंगे? ऐसे वाले अगर आप काउंट करोगे तो 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4, फिर यहां से 5, फिर यहां से 6, फिर यहां से 7। अब अगर 7 इसमें है यहां तक, तो और 7 आएंगे यहां तक, यहां पे और 7 आ गए, तो यहां पर आ गए 14। अब हम काउंट करेंगे सबसे बड़े वाले स्क्वायर, सबसे बड़े वाले स्क्वायर, इस प्रकार के स्क्वायर, तो ये कितने हैं? आइए देखते हैं। यहां से देखो 1, 2, 3, यहां से 4, यहां से 5 और यहां से 6। तो अब यहां पर 6, अब इनको आप जोड़ दोगे तो 24 और 6 30 और 7 और 7 14, 44 आंसर आ जाएगा, 44। मगर एक चीज आप समझ पा रहे होगे कि जैसे जैसे रोज बढ़ते चले जाएंगे, कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे, और अगर आप इस तरह से गिनती करोगे तो समय आपका व्यर्थ जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एक शॉर्टकट इसको फटाफट चुटकियों में करने के लिए। तो ये देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसमें आपसे कहा जाए कि स्क्वायर्स काउंट करो, तो उसका फॉर्मूला आपके समक्ष है। तो अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और यहां पर एम और एन क्या है? एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम है, एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहां पर आप कैसे करोगे? आप एम और एन का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उन दोनों में से एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उन दोनों में से एक एक और कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऐसा तब तक करते जाइए जब तक जीरो ना मिल जाए, जब तक जीरो ना मिल जाए। इसी को अब प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे हमें बताना है कितने वर्ग है, तो हमने मैनुअल काउंटिंग तो कर ली, अब फॉर्मूला से देखते हैं। ये आप लोगों का 2x7 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 7 कॉलम है, ठीक है? तो अब जब 2x7 मैट्रिक्स है तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इन्हीं दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2x7 कर दो, फिर इन दोनों में से एक एक सब्सट्रैक्ट कर दो, इन दोनों से एक एक सब्सट्रैक्ट करोगे 1x6 आएगा, फिर इन दोनों में से एक एक और सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0x5 आएगा, बट ये तो 0 हो जाएगा, और जहां पे 0 आ जाए वहीं पे रुक जाओ। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 और 7 14, 1 और 6 6 और ये 0, तो इन सबको जोड़ोगे तो 20 आएगा, और यही आंसर था, है कि नहीं? यही आंसर था, यस और नो? और आगे देखते हैं, इसको देखो, जब आप यहां देखोगे तो ये भी एक 3x8 मैट्रिक्स है,
ये एक 3x8 मैट्रिक्स है जहां पे 3 रो और 8 कॉलम है। देखो, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 7 कॉलम और 8 कॉलम। तो ये मेथड क्या कहता है कि जैसे 3x8 मैट्रिक्स है तो आप पहले तो 3 और 8 को ही मल्टीप्लाई कर दो, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों में से एक एक कम कर दो, दोनों में से एक एक कम कर दो, फिर इन दोनों में से एक एक और कम कर दो, और अब इन दोनों में से एक एक और कम कर दो। जब एक एक और कम करोगे तो 0 × 5 आएगा, यानी 0, और जैसे 0 आ जाए वहां पे अपने कदम रोक देने हैं, हाथ रोक देना है। अब बस इनको जोड़ दो, 3 और 8 24 + 2 और 7 14 + 1 और 6 6 और ये तो 0 था। इन सबको जोड़ोगे 24 और 6 30 और 14 44, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही और ट्रिक्स समझने के लिए और सीखने के लिए मेरे साथ जुड़ना ना भूलें SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।